स्पाइडर है, सुंदर सा है, ब्यूटीफुल से सुंदर सुंदर है एकदम कि देखे नहीं और देखो। फोटो मारने में पागल हो गया लोग। टोटल कितना था बाइक? 28 था ना, 28 में से बाकी सब चला गया। टू विदाउट हेलमेट राइड कर रहा है। आज का दिन तो कम से कम हेलमेट लगा ले, है ना? बुरी बात है, बुरी बात है भाई। हेलमेट ये लोग असली छपरी है। चल 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 हो। हेलो तो ये फंस गए भाई सारा ग्रुप हम लोग। अभी मैं यहाँ से यूटर्न। तो कैसे हैं आप सब? तो आज निकलने वाला हूँ मैं 15 अगस्त राइड के लिए। 2 वीक लेट था मेरे ब्लॉग्स, मतलब 2 वीक में ब्लॉग कर नहीं पाया जस्ट बिकॉज हैवी रेन, मतलब बहुत रेन हो रहा था हम लोग के यहाँ पे, तो इस वजह से गैप था। रोज संडे को प्लान करता है तो फ्लॉप हो जाता है। तो आज फाइनल 15 अगस्त डे है और दिन भी बहुत साफ है, आज मौसम काफ़ी सुहाना हो गया, तो आज राइड करते हैं, ठीक है? और बाकी सर बहुत सारा राइडर सब को मिलाऊंगा, बाकी आगे जाके देखते रहना ब्लॉग। सीधा मिलते हैं मोटरबॉक सेटअप पर, ठीक है? तो मैं हो चुका हूँ रेडी फ्लॉप राइड के लिए, तो मिलते हैं सीधा बाइक के। मैंने बाइक को रेडी कर दिया, साफ भी नहीं किया, वैसे ही निकल पड़ा। यहाँ पे देखो 9:52, हर हर महादेव, जय बाबा विश्वकर्मा। महादेव का नाम लेकर राइड स्टार्ट। पता नहीं ये लोग कहाँ है अभी भी। क्या मैं निकल चुका हूँ घर से, एक राउंड टूर दिया हम। तो पेट्रोल फ्यूल अप करवाते, पेट्रोल मेरे पास ऑलरेडी है, पेट्रोल डलवाने के लिए जाना होगा, फिर भी ज़रूरत पड़ेगी पेट्रोल के। आगे मिलते हैं आप लोगों को। अभी जितने भी राइडर्स आएगा तो उन ब्रदर्स से मिलना पड़ेगा। मैंने बोला ना, ये लोग बोला कि 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा राइड, तो 7 बजे से 8 बजे हम लोग मीटअप रखेंगे, 8 बजे 8:30 बजे ऐसे भी हम निकल जाएंगे। बोलते बोले 10 बज गया। देखो अभी मैंने बोला ना इन लोगों को ऐसा ही होगा। तो आगे जाते हैं और देखते हैं कब तक पहुँचता है ये लोग। फिर से फोन करेंगे, फ़ोन करिए एक बार हमारा ML14 बॉन्ग राइडर भाई को, ठीक है? तो गाइस मेरा फ्लैग लग चुका है यहाँ, मैं फ़िलहाल हूँ रेडी। ग्लव्स है यहाँ पे, यहाँ पे ग्लव्स है बैग में, तो पहना नहीं वाला, अच्छा नहीं लगता। मैंने बोला ना ग्लव्स पहनने के, तो अगर ज़रूरत पड़े तो आगे लगाएंगे यार। शॉर्ट में ही निकल पा रहा हूँ मैं यहाँ, मतलब फुल शर्ट नहीं लिखा, फुल शर्ट लेके आना चाहिए था एक्चुअली। ऐसे ही बोल के मेरे ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, दिस वीडियो माय नेम इज दीपक एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सबको इंडिपेंडेंस डे के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं गाइस। चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। 1-2 हफ्ते से इतना बारिश आ रहा था, दो संडे मिस हो गया मेरा, मतलब ब्लॉग ही नहीं कर पाया। 2 संडे हम लोग प्लानिंग करते हैं कि ब्लॉग करेंगे, 2 संडे में हम लोग मीटअप करेंगे, तो 2 संडे ऐसे ही चला गया था, मतलब कर ही नहीं पाया कुछ भी। अभी क्या कर सकता है, अभी आज जाके 15 अगस्त दे। तो मौसम तो काफ़ी साफ है भाई, लेकिन रास्ता ख़राब है, तो क्या कर सकता है। पूरा कुछ दिन से बारिश से पानी पानी हो गया था हम लोग को महेंद्रगंज के उस साइड में। आज का ब्लॉग कैसा होगा कोई आइडिया ही नहीं है मेरे को, ब्लॉग करना है, देखते हैं क्या होता है। कुछ दिन बारिश आके धूप निकलने का यही फ़ायदा है, बस रास्ते का जो थोड़ा धूल है वो कम हो गया। 80 पहुँच गए भाई, पेट्रोल यही से दिलवाता है। नहीं अरे यार, यहाँ पे हमेशा पेट्रोल मिलता ही नहीं रे, तो अभी देखना पड़ेगा भाई। मुझे मिला नहीं यहाँ पे पेट्रोल, अभी क्या करें, देखना पड़ेगा इन लोगों को कॉल करके। पहले पेट्रोल नहीं मिलेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। 10 बज गए, देख 10:30 बजने वाला है भैया, कब पहुँचेगा ये लोग। तो वेलकम बैक सारा ग्रुप यहाँ पे आ चुके हैं हम लोगों का। अभी यहाँ से यूटर्न, तो ये फंस गए भाई सारा ग्रुप हम लोग। अभी मैं यहाँ से यूटर्न, पेट्रोल डलवाने का आया था, पेट्रोल नहीं है भाई, तो अभी यहाँ से निकलते हैं भाई। आगे ले लो, आगे ले लो, चल खबर सफर किनका भला ना। महेंद्रगंज में घुसेगा तो कुछ ऐसा ही होगा भाई, देखो क्या हालत है साइट की। प्लान ये पूरा सारा जितना जितना दोस्त है, ये खराब रास्ते में आप सबका कमर दर्द होने वाला है, क्योंकि आगे और भी बाकी है तब वाला। और ये मेरा बीच, तो अभी यहाँ से स्टार्ट, नेक्स्ट स्टॉप डायरेक्ट पूरा कच्चे साइड। आज कुछ हो या ना हो कुछ थोड़ा रिएक्शन मिलेगा लोगों से, तो इतना सारा राइडर एक साथ जा रहा है भाई। दिस इज अ वीडियो पूरा, फोन कहे नवोदय हम लोगों का घर।
घूमने किला ये है। बेल्ट जैसे बेल्ट पड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से तो बेल्ट क्या खराब हो गया उसका। सेट हो गया चल। हाँ मसला हो गया भैया यहाँ पे, ये स्कूटी खोल सका, इसका बेल्ट नहीं है, वो मतलब वो नॉट एक टूट के मतलब वो अंदर घुस गया, रिंग में लग रहा था, तो ठीक हो गया। अभी साइड फिट करेंगे तो हम लोग का राइड कंटिन्यू हो जाएगा साइड से। सभी एक स्कूटी के पीछे लग गया बेचारा ब्लॉक करने में, अभी फिटिंग करने में लग गया। ओ रुकते रुकते फाइनली स्कूटी ठीक हो गया, अभी आगे निकलते हैं। मेरे को फिर फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगा, लोगों को तो नहीं पड़ेगा शायद, सभी फ्यूल अप करके लेके आए हम पटी से, लेकिन अपन को जरूरत है फ्यूल का, कुछ कुछ ब्लॉगर और कुछ कुछ बाइकर। चलो चलो, हेलो 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 हेलो। तो यहाँ पे भी कुछ है, हाय। और यहाँ पे कुछ नए नए ब्लॉगर। चलिए भाई साहब आजा, पूरा कसम मैं रुकूँगा मैं, हाँ आजा। तो भैया यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रास्ता ख़राब मिलेगा आप लोगों को, कुछ यहाँ पे इस तरह के कुछ सीन से। मैं दिलवाता हूँ फ्यूल, फाइव हंड्रेड का डाल दो, चलता है ना स्कैनर। अरे जीरो किया था ना, देखता है स्कैनर देता हूँ मैं। हो गया हाँ, तो हो गया फ्यूल ऑफ, अभी निकल लेंगे यहाँ से भाई। तो बाकी का राइडर्स, सारा राइडर्स अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये रहे हम लोग के ग्रुप्स, ये है राइडर, ये सारा कुछ राइडर यहाँ पे है। चलो फिर से लौट चलते हैं, लौट चलते हैं। तो हेलो ब्रो, मैं घुजाएंगा घर चल कूलर, किस किसका कूलर ऑन हो रहा है बेचारा। ये बासु भाई, चलो चलो चलो, चल चल चल, गेट रेडी फॉर जा ब्रो। आज का राइड थोड़ा ऐसे धूम मचाने वाला ही होगा, पब्लिक रिएक्शन बाप, पब्लिक रिएक्शन आज तो भाई, पब्लिक रिएक्शन मिलेंगे थोड़ा। हेलो भैया, पीछे बहुत सारा राइडर से और आगे निकल गया मैं सेंटर में। फ्लाई बाय, सब एक दूसरे को फ्लाई बाय मार रहे भाई। चलो हेलो, तो मैं आप सबको बताया नहीं, आज का राइड है अरवडा आमपट्टी महेंद्रगंज कुड़ाकसिया डालू एंड तुरा। तो ये कुछ हम लोग कवर करने वाला, तो यहाँ से एक राउंड मारने वाला है बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मैंने यहाँ से कभी ब्लॉक नहीं बनाया, राउंड मारा पहली लेकिन कभी ब्लॉक में एड नहीं किया उसको, डेस्टिनेशन कम्प्लीट हो जाएगा। तो बाकी जाके मैं आगे सब आप लोगों को नया ब्लॉगर, हमारा दोस्त है नया यूट्यूबर, उन लोगों से भी मिलवाने वाला हूँ, ज़रा सब्र रखो। तो हाइपर राइडिंग भाई ना, पूरा लद्दाख वाला सीन्स देखो, रेत मिट्टी निकल आया है रास्ते पर, यहाँ से लैंडस्केप हो गया था। तो स्लो जाओ भाई, बाइक पूरा गंदा हो जाएगा, धीरे 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 अपन को यहाँ से मिट्टी लगाओ पहले, फिर निकल जाओ यहाँ से, पूरा मिट्टी गिर के नीचे आ गया था। तो हम लोग का भी यही होता है। हाँ चलो भाई, बहुत बच्चे लोग क्यूट क्यूट सा बाय बाय बोल रहे थे मेरे को, हाई फाई दे रहे थे मतलब।
यहाँ पे शायद फुटबॉल मैच चल रहा होगा, यहाँ हर जगह में कुछ ऐसा फुटबॉल मैच देखने को मिलेगा आप लोगों को। हम लोगों का ग्रुप बढ़ के अभी पहुँचेंगे चांदोभोई एंड वारंगा फरा। यह है क्या हम लोग का ग्रुप? वो एग्जॉस्ट खुल गया। किसका एग्जॉस्ट खुल गया? कौन से खुल से भितुल रहा? यहाँ पे मैं एक भाई साहब से मिलाने जा रहा हूँ। ये भी है भाई, कौन पता है कि ये आ रहा है भाई, मेरे को तो पता नहीं था। ये है हमारा बिरजू भाई, आई था चांदो भाई पहुँच गए जाके चांदो भाई का बीच गांव। ओ वेल डन, तो शायद मेमोरी की तरफ जा रहे हैं हम लोग अभी। यहाँ पे एक इंटरनल मेमोरी है बॉर्डर में 0 पॉइंट, ठीक है, तो वहाँ जा रहे हैं हम लोग। दिस इज अ सोईपनी बाजार, ये सोईपनी बाजार है गाइस। तो पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया होगा, जब मैं हम लोग यहाँ पे इंटरनल मेमोरी पहले एक बार घूमने आया था, तो ये मेरा सेकेंड टाइम होगा। मैंने तो देख चुका हूँ, लेकिन मेरे ये जो बंदे दोस्त लोग हैं तो इन लोगों को नहीं देखा बंदा लोग, ये तो इन लोगों के लिए ही मुझे आना पड़ रहा है यहाँ पे। हेलो, तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर में बाद 0 पॉइंट आएगा, उसके बाद वहाँ पे बॉर्डर है, मतलब वहाँ पे आगे नहीं जा सकता हम लोग, मेमोरी तक की सीमित, ठीक है। ओ हाँ, एक और बात, तो वहाँ से जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है कि कैमरा अलाउ नहीं करता है साइड, मुझे ये गोप्रो बंद करके लेके जाना पड़ेगा, तो बंद करके अंदर डाल के लेके जाना पड़ेगा। तो वो मेमोरी जो होता है वहाँ पे करने के लिए देता है, लेकिन बॉर्डर का जो वो चेक पोस्ट है ना, वो चेक पोस्ट में अलाउ नहीं करता है बिल्कुल भी, मतलब करने के लिए नहीं देता है। और ये सारे के सारे हेलो हेलो भैया, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन, पीछे से लेके जा पीछे से इसका। हाँ, तो यहाँ पे 0 पॉइंट है, हमारा का राइडर्स जो है सारा का सारा बाइक यही रख दिया। अभी वहाँ पे कैमरा अलाउ करेगा नहीं करेगा वो तो पता नहीं, जाके देखना पड़ेगा, पूछ के देखना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं करेगा, मैं हेलमेट उतर के नीचे रख रहा हूँ, बाय। तो ये है इंटरनल मेमोरी, तो अभी जाके मैं तो फिर इसमें दर्शन कर लूँ। तो यहाँ पे मंदिर है, अगर आप लोग दर्शन करना चाहे भोले बाबा का मंदिर ही है। और ये है मेमोरी, तो ये कुछ से पहले भी दिखाया था साइड में आप लोगों को, तो देख सकते पढ़ सकते स्किप करके कोई पढ़ना चाहते तो। और ये कुछ मेमोरी जो कि बॉर्डर्स मैन को सेक्रीफाइस किया था अपने उसके लिए। नहीं, मेरे को ये कैप्चर करना है। हाँ नहीं, इधर में अलाउ है, किया था मैंने पहले भी आया था एक बार, नहीं उधर जो बॉर्डर है ना वहाँ पर अलाउ नहीं करता है। चलो वो चेक पोस्ट है, नहीं हाँ पहले भी मैंने ब्लॉक करता है, यहाँ पे आया था ना एक बार। हाँ कर सकते, यू कैन। ये लोग चल रहे फोटो, फोटो मारने में पागल हो गया लोग। तो यही कुछ इंटरनल मेमोरी है, तो जो कि 9 ब्रदर्स जो कि सेक्रीफाइस किया था बॉर्डर्स मैन, तो कुछ यही है जो भी। तो पहले आया था मैंने, लेकिन कैप्चर नहीं किया था, ये ऊपर नहीं चढ़ा था, लेकिन आज ऊपर चढ़ गया, देख सकते हैं आप लोग। सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ना, ये सीधा बांग्लादेश रहता है। अभी ये सामने तरह एक 0 पॉइंट बॉर्डर मिलेगा यहाँ पे साइड, तो ये चेक पोस्ट है, तो यहाँ पे बॉर्डर मिलेगा आप लोगों को। दूर दिखाई दे रहा होगा बॉर्डर, यहाँ पे मेरे गोप्रो में दिखाई दे रहे कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बॉर्डर है, तो सारा बंदे लोग यहाँ पे हैं। हो चुका है यहाँ पर, अभी नेक्स्ट ऑप्शन कैप्चर करेंगे साइड से, तो अभी यहाँ से चले जाएंगे हम लोग। सारा लोग जा चुका है, मैं अभी अकेला पड़ा हूँ और ये भाई लोग। तो बाय, अभी यहाँ पे ये जूस मिल रहा है फ्री में, ये भाई तो पूरा का पूरा निकाल दिया। और हो गया सर, बहुत अच्छा था एक ना, मतलब फोटो भी खिंचवाया हम लोग के साथ। तो आजा, तो ये भाई है ML14 बोंग राइडर्स, ये जो भाई है हम लोग। कुछ और भाई आगे चला गया, अभी सब कुछ लगे, हम लोग दो ही पीछे रह गया। और टोसर मोटो व्लॉग, एसके व्लॉग, सुनीत भाई, ML14 बोंग राइडर्स, तो काफ़ी अच्छा लगा। वापस साइड नाश्ता वास्ता कर सकते हैं हम लोग आगे जाके, आगे जाके मैं भी नाश्ता करे। एक तो ये कैप्चर कर लिया डेस्टिनेशन, अभी सीधा तुरा के लिए निकल जाएंगे यहाँ से, तुरा से निकल के सीधा घर वहाँ से गारोबाडा। एक्चुअली ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है आजकल, मतलब क्या करें यार, अगर ग्रुप में से निकलते हैं ना तो ऐसा ही होता है, छोटा मोटा ब्लॉग। मैं उतना ब्लॉग लंबा खींचना नहीं चाहता, क्योंकि आप लोग भी देख देख के बोरिंग हो जाएगा, इसलिए मैं उतना लंबा ब्लॉग नहीं खींचूँगा। तो मिलते हैं आगे, ठीक है। तो
वो भी गाइस ये लड़का लोग आ रही है, देखो ये लोग का वीडियो से राइडर है, सुंदर सा है, ब्यूटीफुल से सुंदर सुंदर है एकदम। लाइक करो, सेवन करो, ओ मां ऐसे मत करो। बाय बाय। तो इन लोगों को बाय डाल दिया मैंने। भाई बहुत अच्छा लगा है, लोग अगर ऐसे कुछ रिएक्शन देता तो। हो हम लोगों से भी ज़्यादा ब्रेक ग्रुप है भैया, शायद यहाँ पे कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे। तो वहाँ पे बीएसएफ कैंप में जो अभी अभी सर मिला था ना, बहुत सपोर्ट करता, ऑलवेज बोल रहा था गाड़ी अच्छे से चलाओ, बोल रहा था जोर से मत चलाओ, जोश में होश मत खो दो, ये बोल रहा था हम लोगों को। तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा था सर। तो यहाँ पे शायद नाश्ता कर लेंगे हम लोग अभी। यहाँ पे चंदन भाई पीछे रह गए हम लोगों का। मैं तो यही करने वाला हूँ, लाइट लाइट सारा राइडर्स यहाँ पे खाना को स्टॉल पे गया, मोमो स्टॉल पे खाने के लिए। और हम लोग यहाँ पे चिकन कबाब दबा के खा रहा है, मेरा तो भाई हो गया खाना अभी। बाबा आप लोग खा ले भाई। वाओ, हो 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 वाओ। यहाँ पे हो गया हम लोग का खाना वाना खत्म। तो अभी निकलेंगे तूरा के लिए सीधा। दिस इज़ माई बाइक और बाकी सारा राइडर्स यहाँ पे है, कुछ कुछ तो आगे चला गया। सीधा बाइक स्टार्ट करते हैं, टूरा के लिए निकलते हैं। ब्लॉक अभी और बाकी है, थोड़ा डेस्टिनेशन टूरा कवर करेंगे। शायद डेसी पार्क जा सकते हैं हम लोग, डेसी पार्क में बोल रहा है कि प्रोग्राम हो रहा है। तो डेसी पार्क सीधा, मैं अकेला ही हो जाऊँगा। हाँ एज टूर भेज वो। तो यहाँ पे मैंने किया गाड़ी को स्टार्ट। चल 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 चल, यहाँ पे हमारा तुषार भाई, ये रही तुषार भाई, अपने कैमरा सेट कर रहा है। और बाकी सारा राइडर्स भी से सुनील भाई का सब्सक्राइबर मिल गया साइट, हाँ फॉलो कर लिया है, मैंने फॉलो बैक भी कर लिया है। और अभी सीधा पूरा इधर से चाहिए भाई, इम्पोर्टेंट टू विट आउट हेलमेट राइड कर रहा है। बुरी बात है, बुरी बात है भाई, हेलमेट चल 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 चल, हो गया। तो अभी यहाँ से राइड स्टार्ट, शायद बाकी का राइडर्स चले गए होंगे पहले, और भी था बहुत सारा राइडर्स। टू विट आउट हेलमेट राइड कर रहा है, मैंने बताया था कि कितना बुरी बात काउंट किया था, लेकिन मैंने काउंट नहीं किया था। तो हेलमेट स्मूथ वाला रोड ये मिल जाएगा, भगाओ अभी यहाँ से, अभी यहाँ से भगाने का मजा आ जा। तो यहाँ पे जो अभी सीन्स है, काफ़ी अच्छा अच्छा मजा मजा सीन्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी सीन्स बहुत सारा है, और सामने आगे जाके और भी कुछ अच्छा अच्छा सीन्स व्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको आप लोगों को आगे मिलते हैं, लंबा हो रहे हैं ब्लॉग्स। ये कौन आ रहा है भैया? दबा के आ रहा है भैया पूरा था भैया। यहाँ पे पैर टूट गया एक, ये टूट गया शायद यहाँ पे पैर, तो एक पूरा पैर रास्ते पे गिरा हुआ था। देखो कॉर्नरिंग भैया, सारा राइडर्स यहाँ पे, अभी जो राइडर्स है वही फाइनल है, बाकी शायद आगे चला गया होगा। अभी ये लोग कॉर्नरिंग चेस कर रहे हैं। ये सामने मतलब ये पूरा खाई है, इधर में बहुत अच्छा व्यू मिलता है। तो दिस इज़ फर्स्ट टाइम मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, मतलब आया तो पहले भी है लेकिन ब्लॉक नहीं किया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा सीन्स दिखता है अपने नीचे। चलो एज यू कैन सी, इधर में व्यू काफ़ी सुंदर दिखता है भाई, मज़ेदार सीन्स। बाकी का इधर सारा पीछे है, यहाँ पे देख सकते आगे राहुल भाई, और सबसे सामने तुषार भाई, और मेरे पीछे आ रहा है सुनीत भाई। यहाँ पे जगह जगह में ऐसे कुछ खराब मिलेगा, बाकी आगे भी अच्छा ही है, लेकिन इस जगह जगह में कुछ साइड ऐसा खराब रास्ता मिलते जाएगी साइड में। इस साइड में अभी काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलेगा आज। तो एज यू कैन सी
मतलब आज बहुत टाइम के बाद इस साइड से व्लॉगिंग, फर्स्ट टाइम होगा मेरे इस साइड से व्लॉगिंग। देखिए बहुत अच्छा है रास्ता, ये है हमारा जेहजंग व्लॉग। ये पीछे कौन है, ML 0.30 व्लॉगर, और पीछे भी है सुनीत भाई और चंदन भाई होगा साइड। हाँ हाथ हले हाथ, कोई वो चीज़ इजीली नहीं मिलता है ना, सारे के सारे एकदम ब्लर है, मतलब एक बादल के ऊपर में चला गया, लग नहीं रहा है कि वो पहाड़ है भाई। फॉग, इतना फॉग है। यहाँ पे व्यू लेने के लिए रुका था, ये पिक का फिर दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्या करे, कैंसिल हो गया व्यू देखना, मतलब ये नीचे भी अच्छे व्यू देखता है। होगा नहीं किया साढ़े तीन, चल चंदन भाई ML 14 बोंग राइडर पूरा सेटअप के साथ राइडिंग जैकेट डाल के। ये ऊपर थोड़ा दिखाई दे रहा है अभी, पिक सुंदर लग रहा है, लेकिन पूरा का पूरा ही ब्लर है, फॉग है पूरा, दिखाई भी नहीं देते। तो ये कुछ इतना सारा ग्रुप है वाइट एंगल में, तो कुछ और ज़्यादा ही वाइट लग रहा होगा सारा राइडर्स, और इतने भी इससे भी ज़्यादा राइडर्स थे आगे, लेकिन वो लोग चला गया हम लोग छोड़ के। तो बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 18 बाइक है अभी, और था टोटल्स बाइक था साइड, टोटल कितना था बाइक, 28 था ना, 28 में से बाकी सब चला गया, अभी 18 बाइक बाकी है पे हम लोग, ये वो हम लोग को छोड़ के चला गया था, वो लोग मेमोरी में नहीं गया, वहाँ पे रुक गया, थोड़ा सा फोटो वोटो मारेंगे, शूट बूट करेंगे, और उसके बाद निकल जाएंगे हम लोग, क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा है, और आगे गए आगे कहीं भी लोकेशन नहीं है, आगे मिलते थे। ये बाइक है एक सर, इस बाइक का भी ब्लॉग है KK व्लॉग्स, हाँ ये KK व्लॉग्स है, 1, 2, ये सुनीत भाई का है, 3, 4, 5, ये भाई साहब का है, जी हजोंग भाई साहब का। तो ये भाई का एक पल्सर R15, और ये जे हजोंग यूट्यूब भाई का R15M, और ये ग्लमर्स, ये R15 वर्जन 3, ये भी वर्जन 3, और ये ML 0.4 वर्जन 3, जिक्शर NS 160, ये V3 और ट्रिटन भाई का, और ये मेरा बिच एम, ये बसु भाई का MT, ये ड्यूक पता नहीं भाई का नाम है ये एक। तो यहाँ पे बहुत फोटो शूट कर लिया हम लोगों ने, अभी निकलते हैं, बहुत टाइम यहाँ पे स्पेंड कर लिया, मतलब रील्स वील्स बनाया, अभी निकलेंगे टूरा के लिए। टाइम देखो 4:31, 4:30 बज गया। हाँ तो नहीं है। भाई बहुत फोटो कर रहा है भाई, बहुत फोटो कर रहे हैं, देखो कितनी फोटो खींचते हो आप लोग भैया, आगे तो निकल गए सारे के सारे, निकलते हैं हम लोग भी फोटो वोटो मारते मारते, चलो चलो लेट्स गो, अभी तुरा उसके बाद घर, अभी तुरा का पिक थोड़ा ऊपर देख रहे हैं गाइस, देखो ऊपर, और ऊपर तुरा का पिक, वाव मस्त व्यू भाई, देख तुरा का पहाड़ है ऊपर, अभी थोड़ा खुल रहा है ऊपर, ये वाला बहुत मस्त सा जगह, इधर में शूट ले सकते थे हम लोग। तो भैया अभी सुंदर व्यू आ रहा है ऊपर, देखो वाव मज़ादार, देख रहे हैं ना कितना सुंदर ऊपर, उधर में थोड़ा सा आप दिखाई दे रहे हैं आपको, बाकी सब ठीक, बस ये व्यू, तब हम लोग वेट कर रहा था क्योंकि ये फॉग पूरा जमा हुआ था, दिखाई भी नहीं दे रहा कुछ भी, अभी थोड़ा साफ हो गया, बस यही है। कहाँ हुआ फिर से भैया, कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, कंटेंट मिल जाएगा ना भैया, कि देखे नहीं और देखो डाटा दे रहे मुझे, क्या आदमी है वे। दुबई से परा राइड इज अबाउट टू एंड, तो होल टूरा यहाँ पे है, और हम लोग कौन सा है दुबई से परा, ये है बस स्टॉप, और सामने है तुषार भाई, तुषार व्लॉग्स, चंदन भाई ML 14 बोंग राइडर, और बासु भाई वहाँ पे, बासु भाई व्लॉग साइड, और सुनीत भाई है आगे, और भाई का नाम मुझे उतना पता नहीं है। पहुँच गए हैं फिलहाल तुर्रा भाई, यहाँ पे है मार्केट हवा खाना,
तो यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से नो एंट्री, यहाँ तो यहाँ से लेना पड़ेगा लेफ्ट हम लोगों को। रास्ता ही खाली है, मतलब बोलो ही मत, सारा रास्ता खाली। हवा खाना यहाँ पे हम लोग थोड़ा रुक गए। तो गाइस व्लॉग ख़त्म करने वाला है हम लोग, यहाँ पे राइड ख़त्म करने वाला है। एक्चुअली ये हमारा ML14 बॉन्ग राइडर घर जाना नहीं चाह रहा है, वो रुकना चाह रहा है और कोई जाना चाह रहा है, तो बाकी हम लोग तो जा रहे हैं। घर दूर है बहुत, 1.5 घंटे लगेगा शायद यहाँ पहुँचने के लिए। तो शायद ब्लॉग यही एंड हो जाएगा अभी। हम लोग दो फुटेज मिलेगा, कहीं सुनीत भाई भी आगे गए हम लोग को छोड़ के और बाकी राइडर सब चला गया, अभी हम भी निकलते हैं यहाँ से। तो हवा खाना ये ऊपर है तुरा पिक और सारा राइडर यहीं पर रुका हुआ है। हम लोग सोच रहे थे कि सब चला गए होंगे लेकिन सब यहीं पर रुका हुआ है। गाइस तो ब्लॉक तो एंड हो गया शायद यहीं पे, सारा बंदे तो चले गए अपने घर पे और अभी हम लोग निकल रहे हैं। हाय चंदन भाई जो है वो नहीं जाएगा शायद, वो यहीं पे रुका हुआ है, उसको बाय बाय कह के हम लोग चला घर, क्योंकि मेरा यहाँ से 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा मिनिमम से, मिनिमम स्पीड से जाने से, तो एंड करना पड़ेगा। ये 1.5 माइल है गाइस। तो यह है पिया संगमा स्टूडियो, दिस इज द, बहुत सुंदर बना लिया अभी इस टाइम में। 100 मीटर फ्लैग रैली हुआ आज, मतलब 100 मीटर का फ्लैग रैली यहाँ से वहाँ परेड ग्राउंड में लेके गया होगा आज। तो सुना है मैंने ऐसे प्रोग्राम कुछ, बट हम लोग मिस कर दिया, आ नहीं पाया। मैं आने वाला था लेकिन इस राइड की वजह से मैं यहाँ पे नहीं आया, लेकिन मैं फिर भी आता यहाँ पे कंटेंट बनाने के लिए थोड़ा। यहाँ पे सनसेट होगा अभी और यहाँ पे कुछ व्यू, ये रास्ता काफ़ी स्मूथ है अभी। अगर तुरा आता है तो इसी साइड से घुस के आना, काफ़ी अच्छा स्मूथ रास्ता मिलेगा आपको। ऐसा लाइन अप करके भगाने में मजा ही कुछ अलग आता है भाई। भैया होपफुली ये हम क्लेम कर लिया, हम लोगों ने ये राइड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है। अभी घर जाएंगे, सोएंगे, खाएंगे, व्लॉग एडिट करेंगे। भाई कल तक आप लोगों से व्लॉग मिल जाना चाहिए मेरे ख्याल से, मैं ज़रूर से ट्राई करूँगा कल व्लॉग डालने के, ठीक है। और अभी यहाँ से ये मज़ा लो आप लोग। तो गारावड़ा पहुँच गया बाजार और टाइम है 5:30, 5:30 बजे गारावड़ा, साइड में शाम होते ही घर पहुँच जाऊँगा। ये रही गारावड़ा मार्केट, हाँ चावल को मुकला हुडेल पर हल्का खाले को बड़ा कमाए ना 5:30 सीधा निकल जाएगा। तो भाई आज का व्लॉग इतना ही है, गारोड़ा ब्रिज और बाकी सब जाने के लिए रेडी और यार तुषार भाई, तो ठीक है, बाय बाय, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे जरूर। अभी हम लोग भी चलते भाई, बाय बाय, सब रेडी है जाने के लिए, चलो हमरो जंगा की कोई। अभी हम लोग जाने के लिए निकल रहे हैं भाई, दिस इज माय बीच एंड सो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रो, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे, बाय बाय, ओके थैंक यू। प्लीज सब अपने अपने घर, चलो 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 बाय बाय, जंगा ना के जय हो रे कुंडू अपने बार, नेक्स्ट टाइम हजोंग दे ब्लॉग चला, हम लोग ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब कर दे भाई जी हजोंग भाई, ओके। तो अभी हम लोग निकल चले, हम लोग तो हिंदी से ब्लॉग करते भाई, ले बाय बाय। ये भी आम पट्टी वाला सब सारा का सारा, हाँ तो शायद सुनील भाई का घर आ गया। तो सुनील भाई का घर यही पे क्या, यही है क्या आपका घर, हाँ तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर ये सुनील भाई उसका घर आ गया, अभी हम लोग चलेंगे यहाँ से, बाकी कम हो रहा है, चलो हम लोग चले, ठीक है बाय बाय, नेक्स्ट टाइम ब्रो। हम लोग निकलते हैं, यहाँ पे बासु भाई है और राहुल, ओ बाय, हम लोग 700 के जा रहे हैं अभी, बाय बाय, नेक्स्ट टाइम, चलो भैया, ओ मैं चलता हूँ, ठीक है चले चले बासु, बाय बाय। तो मैं निकल चुका हूँ बासु और राहुल भाई को यहाँ पे छोड़ के, अभी मैं घर जा रहा हूँ, नाइट ब्लॉक होगा मेरे लिए। तो बाकी दो ब्रदर्स जो है वो आगे निकल गया, गाइस खत्म हो गया सब, अभी मैं अकेला बस वाम पटी से मैं अकेले घर जा रहा हूँ। तो आज का ब्लॉग यही तक है, ऑलराइट सेफ, कीप ऑलवेज योर हेलमेट्स, बम।